चीन का घातक कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। मौत के इस वायरस ने पिछले दो महीने में चीन के अलावा भारत सहित 80 देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। दुनिया भर में अब तक 3,202 लोगों की मौत हो गई है और 93,160 लोग संक्रमित हैं। इनमें सबसे ज्यादा 2,981 मौत सिर्फ चीन में हुई है, उसके बाद इटली में 79 और ईरान में 77 लोगों की जान गई है। WHO ने इसे COVID-19 नाम दिया है। कोरोना वायरस का अभी तक कोई भी टीका या इलाज नहीं मिला है, हालांकि वैज्ञानिक इसका इलाज खोजने में लगे हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस से बचाव कैसे किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कोरोना वायरस के सामान्य संकेत और लक्षण क्या हैं। बुखार, खांसी, सांस की कमी या सांस लेने में परेशानी होना कोरोना वायरस के संकेत और लक्षण हैं, जो 14 दिनों तक रह सकते हैं। अभी तक कोरोना वायरस की पहचान इन लक्षणों के आधार पर ही हो रही है। अधिक गंभीर मामलों में संक्रमण से निमोनिया, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, किडनी फेलियर, यहाँ तक की मृत्यु भी हो सकती है। कोरोना का फिलहाल कोई इलाज नहीं खोजा जा सका, इसलिए इससे बचाव ही इलाज है। कोरोना से बचने के लिए अपने पास जरूर रखें ये चीजें। कोरोना वायरस के लक्षण फ्लू जैसे ही हैं और छींकने, खांसने, हाथ मिलाने, गले लगने और हवा के जरिए ये फैल रहा है, इसलिए आपको अपने पास रुमाल रखना चाहिए ताकि छींकते या खांसते समय मुंह और नाक को कवर किया जा सके। आपको अपने पास अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर रखना चाहिए। डॉक्टर बार बार यह कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ को छूने के बाद आपको अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आपको हाथों से मुंह, नाक और आंखों को छूने से बचना चाहिए। सादे पानी से हाथ धोने से कोई फायदा नहीं होता, इसलिए आपको एक साबुन या बोतल पैक में मिलने वाला साबुन फोम अपने पास रखना चाहिए, ताकि जब आपको जरूरत पड़े तो आपके हाथों को अच्छी तरह से धोया जा सके। अपने पास पानी की एक बोतल जरूर रखें। कहीं भी यात्रा करने के बाद अपने हाथों को साफ पानी और साबुन लगाकर अच्छी तरह धोएं। इसके बाद हाथों को सूखे रुमाल से जरूर साफ करें। अगर आप इन सारी चीजों को अपने साथ नहीं रख सकते हैं तो आपको गीले वाइप्स जरूर रखना चाहिए। जब आप ट्रेन या बस से सफर करके उतरें या किसी से हाथ मिलाएं तो उसके बाद अपने हाथों को अच्छी तरह पोंछ लें। आपको अपने पास कीटाणुनाशक स्प्रे रखना चाहिए। यात्रा के दौरान या किसी भी जगह जहां आप बैठने वाले हैं उस जगह पर आपको स्प्रे करना चाहिए, ताकि उस जगह पर कीटाणुओं को खत्म किया जा सके। स्मार्टफोन स्क्रीन्स में अक्सर एक कोटिंग होती है जो उन्हें ऑयल रेजिस्टेंट बनाने के लिए डिज़ाइन की जाती है। इसे साफ करने के लिए आप एल्कोहल प्रेप पैड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बताया जाता है कि मोबाइल की स्क्रीन पर हद से ज़्यादा कीटाणु पाए जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसी ही खबरों के ताज़ा तरीन वीडियो और एक्सप्लेनर्स देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए।